हेलो एवरीवन, आइए स्कॉटलैंड के बारे में जानते हैं। यहाँ के फर्स्ट मिनिस्टर जो हमजा यूसुफ हैं, पाकिस्तानी मूल के, इन्होंने रेफरेंडम करा के इंडिपेंडेंस लेने की बात छेड़ी है स्कॉटलैंड की। आइए स्कॉटलैंड के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले देखें तो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है और स्कॉटलैंड खुद भी एक कंट्री है। इसके बाद अगर स्कॉटलैंड को हम पीछे हिस्ट्री में देखें तो 1 मई 1707 में ये क्रिएट हुआ था, इंग्लैंड ऑफ किंगडम ऑफ इंग्लैंड के साथ मिलके किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया था और तब से ये इंग्लैंड का ही पार्ट बन के अभी तक चला आ रहा है। इसके बाद देखें तो बहुत लोगों को डाउट रहता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। इसको अगर समझें तो ये रहा स्कॉटलैंड और ये रहा इंग्लैंड, इसके अलावा ये रहा वेल्स और ये रहा नॉर्दर्न आयरलैंड। अगर हम स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को मिला दें तो ये मिलके बनता है ग्रेट ब्रिटेन, और अगर इसी में एक और पार्ट मिला दें नॉर्दर्न आयरलैंड का तो ये चारों मिलके बनते हैं यूनाइटेड किंगडम। ये पहले ये पूरा पार्ट यूनाइटेड किंगडम का था, लेकिन आयरलैंड ने बाद में इंडिपेंडेंस ले लिया और नॉर्दर्न आयरलैंड सिर्फ अब यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। इसके बाद स्कॉटलैंड के 154 किलोमीटर लंबी बॉर्डर इंग्लैंड के साथ लगती है और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है, इसके अलावा नॉर्थ सी से घिरा हुआ है और फिर साउथ में ये आयरिश सी से भी घिरा हुआ है। इसका कैपिटल एडिनबर्ग है और इसकी लार्जेस्ट सिटी ग्लासगो है। इनके राजा किंग्स चार्ल्स थर्ड हैं और इनके जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं वो हमजा हारून यूसुफ हैं, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1985 में हुआ था और ये यहाँ के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड हैं, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर भी आप कह सकते हैं स्कॉटलैंड के। और इन्हीं ने रेफरेंडम की मांग उठाई है जिसे अभी तो ऋषि सुनाक ने मना कर दिया है, लेकिन इनकी जो पार्टी जीती है इसका मेन मोटो ही ये है कि ये इंडिपेंडेंस दिलाएंगे स्कॉटलैंड को यूनाइटेड किंगडम से। आगे देखें तो यूनिकॉर्न यहाँ का ऑफिशियल एनिमल है। यूनिकॉर्न को कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन यही स्कॉटलैंड का ऑफिशियल एनिमल है। इसके बाद स्कॉटलैंड के 1790 आइलैंड हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही जो हैं वो रहने लायक हैं, बाकी सारे खराब ही हैं, छोटे छोटे हैं काफी। इसके बाद यहाँ ओल्डेस्ट ट्री भी है यूरोप का, जो सबसे पुराना माना जाता है यूरोप में। इसके बाद चिकन टिक्का भी यहीं इन्वेंट किया गया था पाकिस्तानी सेफ द्वारा 1971 में, जो अभी फेमस हर जगह यूज किया जा रहा है। और हैरी पॉटर की काफी मूवी का शूटिंग भी स्कॉटलैंड में किया गया था इनके नेचर की वजह से। ये हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस मूवी में आप देख सकते हैं, यही ब्रिज के पास से वो गुजरती है और ये गली है जिसमें हैरी पॉटर जाता है अपने शॉपिंग के लिए स्टार्टिंग में, ये सारे स्कॉटलैंड में ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।